नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि वर्ष 2015 में सुरेंद्र मित्तल नामक व्यक्ति ने राधे माँ के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें सुरेंद्र मित्तल का यह आरोप था कि राधे माँ अपने आप को दुर्गा माँ का अवतार बताती हैं और भोली भाली आम जनता को धर्म और आस्था के नाम पर बेवकूफ़ बना रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सुरेंद्र मित्तल का यह भी आरोप था कि राधे माँ निरंतर उनसे आई लव यू बुलवाकर उनके साथ संबंध बनाने के लिए भी दबाव डालती थी। वो उनको देर रात तक फ़ोन करती और गंदी बातें करती थी। उनकी बात न मानने पर धमकी भी देती थी। अब माना जा रहा है कि इस मामले में राधे माँ की परेशानियां अभी और बढ़ सकती हैं। इसी बीच पंजाब के कपूरथला के SSP ने हाईकोर्ट को बताया कि सुरेंद्र और राधे माँ के फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग के मामले में राधे माँ की आवाज़ का सैंपल मैच हो गया है। बता दें, पंजाब के फगवाड़ा निवासी सुरेंद्र मित्तल लंबे समय से राधे माँ को लेकर नए नए खुलासे करते रहे हैं। बता दें, कुछ वर्ष पूर्व फगवाड़ा में सुरेंद्र मित्तल ने तब भी राधे माँ का विरोध किया था जब वह खुद को देवी दुर्गा का एक अवतार बताकर लोगों से अपनी पूजा करवा रही थी। तब इस विरोध के बाद राधे माँ ने जनता से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी थी, पर इस घटना के कुछ समय बाद ही एक बार फिर राधे माँ ने मुंबई में अपने आप को देवी दुर्गा का एक अवतार बताया था। आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।